हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब तो आज का अपना क्वेश्चन पेपर है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एमएनएस स्टाफ नर्स सोलूट पेपर 2015 का तो इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था द ऑफ अमेरिका इज ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट डिस्कवरी सेकंड है डिस्कवर थर्ड डिस्कवर्ड फोर्थ डिस्कवरेज तो आंसर आएगा इसका ए डिस्कवरी ठीक है आंसर इसका क्या है ए है डिस्कवरी द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका इज ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड तो आंसर इज ए नेक्स्ट गांधी जी बिलीव्ड इन द ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस फर्स्ट है प्रिंसिपल प्रिंसिपल्ड सेकेंड थर्ड प्रिंसिपल्स और फोर्थ है प्रिंसिपैलिटी तो गांधी जी इज बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस तो आंसर इज ए फ्रेंड्स देख लीजिए कि एम का पेपर किस की, मतलब किस टाइप का आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एट फर्स्ट वी थोट द डॉग वाज डेड बट इट वाज़ है द फर्स्ट वी थॉट हमने क्या सोचा पहले कि डॉग है वो मर चुका डेड है बट इट वाज बट वो क्या था टू अलाइव या फिर अलाइव तो आंसर इज ए कीप अलाइव ठीक है एट फर्स्ट वी था डोग वॉज डैड बट इट व कीप अलाइव नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टूडेंट शुड बी टू हीज टीचर्स रेस्पेक्टफुल रेस्पेक्टेबल रेस्पेक्ट रेस्पेक्टफुल ए स्टूडेंट शुड बी रेस्पेक्ट

बाई हर सिक्योरिटी स्टाफ इसका आंसर है बी नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर देन वन स्पीकर प्रजेंट ऑफ द मीटिंग फर्स्ट है इज सेकेंड है वर थर्ड है आर और फोर्थ है वाच तो मोर देन वन स्पीकर आर प्रजेंट ऑफ द मीटिंग आंसर इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन वेन द रेन कम, ऑल द कैम टैंक्स बिकम? वेन द रेन ऑल द एम्पिटी टैंक्स बिकम फुल, फुलनेस फिल, इन फुल तो आंसर इज ए फुल। फुलन द रेन कम जब भी रेन आई ऑल द एम्पिटी टैंक्स है वो बिकम क्या हो हुआ फुल आंसर इज ए next he enjoy novels to read to reading to read up to read he enjoys to reading novels answer is b next question bread and butter served for breakfast first a was second a our, a bar, for a is are third were, fourth is देखिए ब्रेड एंड बटर आर सर्वड फॉर ब्रेकफास्ट आंसर इज वी आर देख लीजिए मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में एम में मतलब किस तरह का पेपर आते हैं मेरा मेन मकसद तो यही था फ्रेंड्स कि आपके पास ये पेपर पहुंचाऊं ताकि आपको पता चल जाए कि इस टाइप्स का क्वेश्चन पेपर आते हैं ठीक है ब्रेड एंड बटर आर सर्वड फॉर ब्रेकफास्ट आंसर इज आर ब्रेड एंड बटर आर सर्वड फॉर ब्रेकफास्ट आंसर इज बी नेक्स्ट द विजिटर वाज गिवन ए वार्म वेलकम ऑन हिज या फिर हिजल द विजिटर वाज गिवन ए वार्म द वार्म वेलकम मतलब शानदार वेलकम था वार्म वेलकम ऑन हिज विजिटर्स का किन ऑन हिज अराइवल आएगा मतलब आने पर अराइव या फिर अराइव आने बाद अराइवेंस देखिए अराइवल आएगा आंसर इज ए अराइवल द विजिटर वाज गिवन ए वार्म वेलकम ऑन हिज अराइवल आंसर इज ए नेक्स्ट दिस मेक मी स्लीपी इट इज ए वो कौन सी मेडिसिन जो हमें स्लीपी बनाती है वो कौन सी है सडेंट सडेटिव सडेट या फिर स्टूबलेंट आंसर इज बी दिस मेडिसिन मेक मी स्लीपी ट करती है सोसाइटी वी मे कम एक्रोस बोथ सेवेज एंड खालिस्तान पीपल सिविल है सिविलाइजेशन है या फिर सिविलाइज्ड या फिर सिविलाइजेबल है इन ए सोसाइटी वी मे कम

आंसर इज सी बी साइड बी साइड द स्कूल देर इज ए कॉलेज इन आवर टाउन ठीक है बी साइड द स्कूल मतलब स्कूल के पीछे देर इज कॉलेज इन आवर टाउन वहाँ क्या है कॉलेज है इन आवर टाउन खुद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इज सी यू हैड बेटर ए डॉक्टर कंसल्टेड कंसल्ट कंसल्ट या फिर कंसल्टेशन यू हैड बेटर कंसल्टेड हेड आगे ना टेड आएगा डॉक्टर कंसल्टेड ए डॉक्टर नेक्स्ट द ऑफ द स्टोरी वॉज एट्रैक्टिव वॉज ए बिगिन बिगन या बिगनिंग या फिर बिगन देखिए द बिगनिंग मतलब शुरू में बिगनिंग जब शुरुआत हुई ऑफ द स्टोरी वाज़ द अट्रैक्टिव जब शुरुआत हुई हुई थी तब स्टोरी क्या थी अट्रैक्टिव थी आंसर इज सी बिगनिंग नेक्स्ट भोपाल मध्य प्रदेश बेंगलोर देखिए भोपाल है मध्य प्रदेश है और बेंगलोर है आगे क्या आएगा केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटका देखिए भोपाल है एमपी की क्या है कैपिटल है बेंगलोर की कैपिटल क्या है कर्नाटका आंसर इज डी नेक्स्ट क्वेश्चन ओड वन आउट इनमें से ओड देखना है सन है मून है अर्थ है सोलर सिस्टम है देखिए सन है मून है अर्थ है और सोलर सिस्टम है इसके अंदर सारा सोलर सिस्टम अलग है ठीक है सन है मून है अर्थ है आंसर इज बी आएगा सोलर सिस्टम आएगा आंसर इज बी नेक्स्ट ड्रग है डिजीज है बुक आगे नॉलेज टीचर इलिटरेसी राइटर देखिए ड्रग्स है ड्रग डिजीज को ट्रीट करने के लिए काम में लेते हैं बुक किसको ट्रीट करने के काम में लेते हैं इलिटरेसी ऐसी मतलब इलिटरेसी ठीक है बुक हमेशा इलिटरेसी ठीक है आंसर इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट प्रिविलेज परी विज या फिर परिविलेज या फिर परिविलेज इनकी स्पेलिंग में मतलब करेक्ट कौन सा होगा चूज द करेक्ट परिविलेज है परिविलेज है इसकी स्पेलिंग पूछा है परी है तो देखिए पी आर आई वी आई एल ई जी ई आंसर इज डी सही स्पेलिंग क्या है इसकी चूज द करेक्ट में इनमें से पी आर आई वी आई एल ई जी ई ठीक है ये करेक्ट है आंसर इज डी नेक्स्ट ए डिजीज दैट स्प्रेड बाय मींस ऑफ जर्म्स कैरिड इन एटमोसफेयर इन्फेक्टियस है एपिडेमिक है कॉन्टाजियस है एंडेमिक है देखिए ए डिजीज दैट स्प्रेड बाय मींस ऑफ जर्म्स इन एटमोसफेयर एटमोसफेयर की बात करें जो डिजीज है वो स्प्रेड हो रही है जर्म के थ्रू कैरिड बाय द एटमोसफेयर यानी इन्वायरमेंट के चारों इन्वायरमेंट में मतलब वो क्या हो रही है स्प्रेड हो रही है द जम्स के थ्रू वो क्या होगी एपिडेमिक होगी ठीक है एपिडेमिक देखिए इसका आंसर है बी एपिडेमिक है और जो एंडेमिक है ए, एक होता है एंडेमिक एक होता है पेंडेमिक हो जाता है वर्ल्ड वाइड हो जाता है वन कंट्री टू वन उदर कंट्री जैसे कोरोना वायरस वगैरह वो पेंडेमिक होता है ठीक है पेंडेमिक होता है जबकि एंडेमिक क्या होता है एक अपनी कम्युनिटी एरिया से बाहर फैल जाती है ठीक है वो होता है तो आंसर इज एपिडेमिक है स्प्रेड हो रही है बाई मीन्स ऑफ द दर्म के एटमोसफेयर नेक्स्ट फाइंड द नंबर नंबर फाइंड करना जो सिक्स है नाइन है फोर्टीन है और बीच में जगह है फिर थर्टी है क्या आएगा बीच में नंबर्स में देखिए इनका सॉल्यूशन क्या है सिक्स में थ, थ्री प्लस के तो नाइन आया ठीक है नाइन में फो फाइव प्लस किया तो फाइव आया प्लस फाइव किया नाइन में तो फोर्टीन आया फोर्टीन में थर्टी तो आ गया, तो गया। देखिए पहले किया तो दो, दो बढ़ रहेन तो कर देंगे है ना नेक्स्ट नंबर क्या होगा नेक्स्ट नंबर क्या होगा देखिए पहले थ्री किया फिर फाइव किया सेवन किया अपन पूछा है फोर्टीन से लेके थर्टी के बीच में तो फोर्टीन में कितना जोड़ा तब ट्वेंटी वन आया सेवन जोड़ा तब क्या आ गया ट्वेंटी वन आ गया और बाद में फिर से दो प्लस किया तो नौ आ गया तो इसका आंसर क्या 21 21 air, है ट्वेंटी वन आया यहाँ ट्वेंटी वन आएगा आंसर इज सी नेक्स्ट एयर एटमोसफेयर वाटर एयर है एटमोसफेयर है वाटर है सी है देखिए जैसे एयर और एटमोस्फेयर का रिलेशन है यहाँ पे ठीक है तो वहाँ वाटर कहाँ आता है सी यानी सी आंसर इज सी समंदर ठीक है एयर है एटमोसफेयर हो गया वाटर का सी हो गया आंसर इज डी नेक्स्ट पर्सन फैमिली, फैमिली नेक्स्ट सोसाइटी है स्टेट है हाउस है नेशंस है तो देखिए पर्सन है फैमिली पर्सन से क्या बनती है फैमिली बनती है और फैमिली से क्या बनती है सोसाइटी आंसर इज ए नेक्स्ट पेपर पेन ब्लैक बोर्ड चौंक क्लास है चौक है वुड है या फिर कार्डबोर्ड आंसर इज बी नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव फाइव और थर्टी सिक्स आगे क्या आएगा देखिए फोर है सेवन है एट है 6 है देखिए फाइव का क्यों अंडर रूट क्या होता है फाइव का अंडर रूट ट्वेंटी फाइव तो सिक्स का अंडर रूट क्या थर्टी सिक्स आंसर इज डी नेक्स्ट फाइव टेन सिक्स इलेवन सेवन ये सीरीज है आगे क्या आएगा देखिए फाइव में प्लस फाइव क्या टेन टेन में प्लस फोर किया सिक्स क्या टेन सिक्स में प्लस फोर किया टेन ठीक है फिर सिक्स में प्लस फाइव किया इलेवन फिर सेवन में प्लस फाइव किया इलेवन इलेवन फिर सेवन में प्लस फाइव किया तो क्या आएगा ट्वेल्व है आंसर इज ए ट्वेल्व है नेक्स्ट तो भाई ये सारे क्वेश्चन थे जो एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग के थे जो एम एन एस मिलिट्री नर्सिंग का पेपर है दो हज़ार पंद्रह का तो देख लीजिए एम एन एस मिलिट्री का आगे एग्ज़ाम भी होने वाला है इस टाइप्स के क्वेश्चन पेपर आते हैं तो गैस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें लाइक करें थैंक यू सो मच मिलते हैं अगले वीडियो में